बॉलीवुड में लोगों को दीवाना बनाने वाली कई एक्ट्रेसेस आज गुमनाम हो गई हैं। इन्हीं में से एक है मीनाक्षी शेषाद्री। जी हाँ, पर्दे पर कभी अपने मोहिनी रूप से लोगों को दीवाना बनाने वाली मीनाक्षी आज बड़े पर्दे से ही नहीं बल्कि इंडिया से भी दूर हैं। हीरो, घायल, दामिनी और घातक जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय कर लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली मीनाक्षी शेषाद्री अब गुमनाम हो चुकी हैं। देश छोड़कर परदेश में बस चुकी है मीनाक्षी। मीनाक्षी अपने पति हरीश मैसूर और दो बच्चों के साथ अमेरिका के डल्लास शहर में रहती हैं। साल 1995 में ही मीनाक्षी ने अमेरिका में रहने वाले इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मायर से शादी कर ली। अक्सर मीनाक्षी की पिक्चर्स सोशल मीडिया पर आती रहती हैं। मीनाक्षी की खूबसूरती के यूं तो कई दीवाने थे, लेकिन एक दीवाना ऐसा भी था जो मीनाक्षी से कभी अपने इसका इजहार न कर सका। जी हाँ, मीनाक्षी के लिए वो पागल कोई और नहीं बल्कि सिंगर कुमार सानू थे। सिंगर कुमार सानू मीनाक्षी से एक तरफा प्यार करते थे। कुमार सानू का दिल मीनाक्षी के प्यार में डोल चुका था। कुमार खुद शादीशुदा थे, लेकिन उनका दिल मीनाक्षी के प्यार में बच्चा बन गया था। कुमार का अफेयर कुनिका लाल से काफी वक्त तक चला। दोनों के बीच प्यार की बातें लंबे वक्त तक चली, लेकिन इनके प्यार ने जल्द ही दम तोड़ दिया। कुनिका के बाद कुमार का दिल मीनाक्षी के लिए धड़का, लेकिन कुमार मीनाक्षी के लिए प्यार सिर्फ एक तरफा ही था। उस दौर में फिल्म जुर्म में कुमार सानू ने जब कोई बात बिगड़ जाए गाना गाया था। इसके बाद फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान कुमार की मुलाकात मीनाक्षी से हुई। मीनाक्षी को देखते ही कुमार उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। पहली ही नजर में कुमार को मीनाक्षी से प्यार हो गया, लेकिन वो कभी उनसे अपने प्यार का इजहार न कर सके। खैर, आज इस बात कई साल हो चुके हैं। कुमार सानू दो शादियां कर चुके हैं। आज वो तीन बेटे और दो बेटियों के पापा हैं। वहीं मीनाक्षी भी अमेरिका में रहती हैं और शादीशुदा जिंदगी में खुशहाल है। कुछ दिन पहले ही मीनाक्षी की कई पिक्चर्स सोशल मीडिया पर आई हैं।